आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 16वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे जलवायु क्लाइमेट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और लगभग में यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। वन लाइनर है, हम लोग फास्ट रिविजन के साथ चलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें और आने वाले एग्जामों में आप अच्छा कर पाएं। तो चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि पृथ्वी के अधिकांश भाग, पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है उस पर पूछ रहा है कि किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। तो हमारे जो अर्थ है, धरती है, उसके अधिकांश भाग पर शुष्क जलवायु का विस्तार है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार के जलवायु का विस्तार है, तो शुष्क जलवायु का विस्तार है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में। तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है बर्खोयास्क। ध्यान रखिएगा, बर्खोयास्क जो ऐसा स्थान है जो विश्व का सबसे ठंडा स्थल है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। जो भूमध्य रेखीय जलवायु है ये किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखीय जो जलवायु है वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और वहीं भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है आपके भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अल नीनो और दक्षिणी दोलन, ये अल्पकालीन जलवायु संबंधी जो भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में है ये क्या है, ये विरल छीड़ मानसूनी वर्षा से संबंधित है। किस मानसूनी वर्षा से संबंधित है, ये विरल छीड़ मानसूनी वर्षा से संबंधित है। कौन कौन, एक अल नीनो और एक दक्षिणी दोलन जो जलवायु है ये विरल छीड़ मानसूनी वर्षा से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य में है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्क और मकर रेखा के मध्य जो जलवायु जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अगला पॉइंट कह रहा है कि नार्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है। तो नार्वे में जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये ध्यान रखिएगा, नार्वे में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में ही बारिश होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय जो प्रदेश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में पूछ रहा है कि किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वहाँ पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है में भारी वर्षा कब होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो भारी वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में ही भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जो प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जो जलवायु है कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, वो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। यानी निश्चित शुष्क रहती है और आर्द्र ऋतु रहती है। ये कब की है, ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता यही है कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। अगला कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें बी अक्षर, कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है। ध्यान रखिएगा, तो जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया गया उसमें जो बी अक्षर है वह शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। अगला कह रहा है कि विश्व का आर्द्रतम,
यानी विश्व का आर्द्रतम स्थल कौन सा है, तो ये है मासिंदाम जो कि मेघालय राज्य में पड़ता है और ये विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थल है। विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थल मासिंदाम मेघालय, यहीं पर सबसे अधिक भारी वर्षा होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोपेन की सीएस जलवायु, कोपेन की सीएस जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जो कोपेन की सीएस जलवायु है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला जो पॉइंट है हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कह रहा है कि किस महाद्वीप में, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक जो विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का सबसे अधिक जो विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। अगला पॉइंट कह रहा है कि पवनों का जो मौसमी उत्क्रमण है, पवनों का जो मौसमी उत्क्रमण है वो किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, तो ये है मानसूनी जलवायु का प्रारूपी अभिलक्षण है, यानी पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का प्रारूपी अभिलक्षण है, विशेषता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टुंड्रा जो है इसे बंजर भूम शब्द किस भाषा से लिया गया है, टुंड्रा या बंजर भूम शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो टुंड्रा बंजर भूम है ये फिनिश भाषा जो कि फिनलैंड की भाषा है वहाँ से लिया गया, यानी फिनिश लैंग्वेज से लिया गया है। टुंड्रा जो कि बंजर भूम है ये शब्द किस भाषा से लिया गया, ये फिनिश भाषा से लिया गया, और फिनिश भाषा कहाँ की है, फिनलैंड की भाषा है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी पश्चिमी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी पश्चिमी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अगला है पॉइंट है, कह रहा है कि वर्षा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, तो वर्षा की जो मात्रा है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आगे अगला जो पॉइंट ये कह रहा है कि कोपेन के जो जलवायु का वर्गीकरण है उसको हम लोग देखते हैं, जलवायु के प्रकार और कोट अक्षर, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का जो अक्षर है वो AF है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पूछ लेता है इसका जो कोट अक्षर AM से अंकित किया गया, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW से, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु BSH से निरूपित किया गया है, कोड दिया गया है। और अगला है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जो जलवायु है ये BWH से, और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु ये BSK, और मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु BWK, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CF, और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है CS, अभी ऊपर आया है क्वेश्चन, और चीन तुल्य जो जलवायु है वो CW, आगे शीताद्र जो जलवायु है ये DF, शीताद्र जलवायु DW, और टुंड्रा जो जलवायु हो वो ET, और ध्रुवीय जो हिमटोपी है वो EF से अंकित किया गया है, मतलब एक कूट अक्षर दिए गए और जलवायु के प्रकार दिए गए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है ये हेकी स्टोथर्म जो पौधों हैं के लिए अनुकूल तापीय जो दशाएं हैं वो क्या हैं, तो ये इसके लिए जो तापीय दशाएं हैं बहुत कम ताप होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश की जो मानसूनी ये जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी दक्षिण एशिया में आपका बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है और यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं, तो दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर की जो जलवायु है ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में अधिक होते हैं, कौन, दैनिक और वार्षिक तापांतर।
अब हम लोग एक जो पॉइंट है इसको देख लेते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट है, इसमें कह रहा है वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण जो किया गया, जलवायु के प्रकार और संबंधित तत्व और प्रमुख वनस्पतियां, यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि विषुवत रेखीय जलवायु जो प्रदेश है इससे संबंधित तत्व क्या है, संवहनीय वर्षा यहाँ होती है लगभग 200 सेंटीमीटर पूरे वर्ष, वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, और विषुवत रेखीय जो जलवायु प्रदेश है वहाँ की जो वनस्पतियां हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो एवीनो, सिनकोना, रबड़, बांस व महोगनी जो वृक्ष हैं ये आपके विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला कह रहा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में इनका जो संबंधित तत्व है, इनमें जो तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है, और यहाँ के जो वनस्पतियाँ हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश की जो वनस्पतियाँ हैं वो जैसे गन्ना है, कपास है, चाय है, कहवा है, खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, ये वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अगला है सवाना तुल्य जलवायु जो प्रदेश है, इनसे अगर संबंधित तथ्य देखा जाए तो सवाना तुल्य जो जलवायु प्रदेश है यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान होता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती हैं, ये इससे संबंधित तत्व था। और अगर सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ कम ऊंचाई के वृक्ष सहित घास के बृहद मैदान पाए जाते हैं सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में। अगला है मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होता है, और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो मरुस्थलीय जलवायु में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कटीली और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ये है मरुस्थलीय जलवायु। अगला जो पॉइंट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो है ये ग्रीष्म काल में शुष्क आर्द्र, शीतकाल अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है, और यहाँ की जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं ये पाए जाते हैं यहाँ जैतून, अंजीर, खट्टे व रसीले फल जैसे संतरा, शीतकाल में अंगूर और नींबू आदि पाए जाते हैं। और इसी का जो अगला पॉइंट है स्टेपी तुल्य जो जलवायु प्रदेश है इसमें क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में अंतर पाया जाता है, और यहाँ वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ की जो वनस्पतियों का प्रकार है वो वृक्ष रहित घास के मैदान। चीन तुल्य जो जलवायु प्रदेश है, और यहाँ से जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है ये ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, ध्यान रखिएगा, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। और यहाँ की जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की वो ओक पाया जाता है, चेस्टनट और योम पाइन के वृक्ष जो है यहाँ पाए जाते हैं। अगर आप ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पछुआ हवाओं का प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होता है। और ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश की वनस्पति की बात करें तो यहाँ स्प्रूस, फर व सिंडार के वृक्ष पाए जाते हैं। साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक तापमानतर अधिक होता है, यानी वार्षिक वर्षा अत्यंत कम होती है और वार्षिक तापमानतर अधिक होता है साइबेरियन जलवायु प्रदेश में। और यहाँ के वनस्पति की बात करें तो लार्च, स्प्रूस, पाइन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। लारेंसियन जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये सामान्यतः वर्ष भर यानी वर्षा शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है, और यहाँ पर चीड़, हेमलॉक, प्रेरी घास के मैदान ये आपके लारेंसियस जलवायु प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला है टुंड्रा जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश का अभाव यहाँ पाया जाता है तथा दैनिक तापमानतर एकदम न्यूनतम होता है, और यहाँ के वृक्ष की बात करें तो मांस एवं काई ये वनस्पतियाँ यानी मांस एवं काई वनस्पतियाँ यहाँ टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। ये पूछा भी गया है कि मांस एवं काई जो वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये इस टॉपिक से यानी जो जलवायु वैश्विक जलवायु के वर्गीकरण से
कोट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैचिंग में भी बन सकते हैं और वन लाइनर में भी बन सकते हैं। और ये जो वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि अगर एक बार में कंप्लीट नहीं होता तो एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। इससे पहले अपवर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है, लगभग में 2 लेक्चर और बाकी होंगे। इसके साथ हमारा NCERT इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, और NCERT आपका जो NCERT वन लाइनर आपका इंडियन पॉलिटी कवर हो गया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जो टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव भी चल रहे हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चाहें तो देख सकते हैं, और यहाँ आप ऑनलाइनर पढ़ें और वहाँ ऑब्जेक्टिव अपने आप सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा, आप ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।